नमस्कार, मैं नियाज खान और आप देख रहे हैं NMF न्यूज। देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जिस गुजरात से आते हैं, उस गुजरात के शेरों की चर्चाएं दूर दूर तक होती रही हैं, क्योंकि पूरे एशिया में सबसे ज्यादा शेर अगर किसी राज्य में हैं तो वह राज्य है गुजरात, जहां के खूनखार शेरों को देखने के लिए दूर दूर से लोग आते हैं। और शेरों की धरती से निकलकर नरेंद्र मोदी जैसा कोई शख्स जब प्रधानमंत्री के तौर पर देश की जिम्मेदारी संभालता है, तो उन्हें जन्मदिन के तोहफे के रूप में चीतों से बेहतर भला क्या तोहफा हो सकता है। दरअसल 17 सितंबर को देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का जन्मदिन है, और उनका जन्मदिन मनाने के लिए एक तरफ जहां बीजेपी जोर शोर से तैयारी करने में लगी हुई है, तो वहीं दूसरी तरफ खुद पीएम मोदी अपने जन्मदिन के खास मौके पर मध्य प्रदेश जा रहे हैं, जहां वो एमपी के कूनो नेशनल पार्क में कुछ वक्त बिताएंगे, जिसकी तैयारी के लिए अभी से मध्य प्रदेश की शिवराज सरकार ने तैयारी शुरू कर दी है। सीएम शिवराज सिंह चौहान ने मंगलवार को कैबिनेट की बैठक के बाद पीएम मोदी के मध्य प्रदेश के दौरे के बारे में जानकारी देते हुए बताया कि पीएम मोदी 17 सितंबर को अपने जन्मदिन पर कूनो नेशनल पार्क का दौरा करेंगे, और उसी दिन अफ्रीकन चीतों की नेशनल पार्क में शिफ्टिंग भी होगी। यानी जिस दिन पीएम मोदी का जन्मदिन होगा, उसी दिन 8 अफ्रीकी चीते भी कूनो नेशनल पार्क में लाए जाएंगे। यही वजह है कि अफ्रीका से आए चीतों को शिवराज सरकार की ओर से पीएम मोदी के लिए जन्मदिन के तोहफे के तौर पर देखा जा रहा है। सरकार के सूत्रों के मुताबिक निबीबिया से आने के बाद चीतों को 30 दिन क्वारंटाइन में रखा जाएगा। चीतों को धीरे धीरे बड़े बाड़ों में शिफ्ट किया जाएगा, बाद में खुले में छोड़ा जाएगा। अफ्रीकी चीतों की 6 से 8 महीने तक कड़ी निगरानी रखी जाएगी। नामीबिया से भारत आ रहे इन चीतों में 4 नर हैं और 4 मादा। चीतों को भारत लाने की पहल साल 2010 में तत्कालीन पर्यावरण मंत्री जयराम रमेश ने की थी। करीब एक दशक बाद मामले में बड़ा मोड़ तब आया जब पहली बार 28 जनवरी 2020 को सुप्रीम कोर्ट ने चीतों को भारत लाने की अनुमति दी थी। साथ ही कोर्ट ने राष्ट्रीय बाघ संरक्षण प्राधिकरण को चीतों के लिए उपयुक्त जगह खोजने का आदेश दिया था। कई राष्ट्रीय उद्यानों पर विचार के बाद एक्सपर्ट्स ने पृथ्वी पर तेज जानवर की देश में वापसी के लिए मध्य प्रदेश के श्योपुर में स्थित कूनो नेशनल पार्क को चुना, और अब नामीबिया से लाए जा रहे 8 अफ्रीकी चीतों को इसी नेशनल पार्क में छोड़ा जाएगा। आपको बता दें कि 70 साल बाद एक बार फिर चीतों की वापसी होगी। भारत के छत्तीसगढ़ राज्य में आखिरी बार 1950 में देखा गया था। इसके बाद ये देश के किसी भी हिस्से में नजर नहीं आए। सरकार ने चीता दिखाने वाले को 5 लाख रुपए का इनाम भी रखा था, लेकिन चीता कभी किसी को नजर ही नहीं आया।